नमस्ते जय हिंद स्टैंडर्ड टेन सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर नाइन फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ रिसोर्सेज पार्ट थ्री हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम डिफरेंट स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ वाइल्डलाइफ हियर स्कीम लाइक अ टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट राइनो क्रोकोडाइल वल्सर्स एंड स्नो लेपर प्रोजेक्ट विल डिस्कस हियर ओके and if you have not watched the previous videos i have provided the link of video number two in this video you can watch it and uh, you can also find it from the playlist of the channels okay let's start okay wildlife protection scheme so various wildlife protection scheme so some schemes are implemented in india to protect the wildlife द स्कीम्स सम प्लान्स प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड वाई इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए गए हैं सो अंडर दि स्कीम्स सम प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड अलग अलग प्रोजेक्ट शुरुआत की गई है दोज एनिमल्स विच आर इन द डेंजर्स सो सम एक्सटिंक्शन्सॉरी सम एनीमल्स वो आर इन अ डेंजर्स फॉर द एक्सटिंक्शंस ऐसे जो एनिमल्स हैं Uh, जो अभी उसके जो स्पीसीज ऑफ एनिमल है जो नंबर्स ऑफ एनिमल्स है वो बहुत कम है अगर उसके ध्यान नहीं रखेंगे तो फ्यूचर के अंदर दैट एनिमल्स बीइंग टू बी एज अ एक्सटिंग एनिमल हो जाएंगे वो दूसरी बार यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे इंडिया के अंदर वैसे एनिमल्स जो स्पीचीज़ है उसको प्रिजर्व करने के उसके प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन स्कीम लगाई गई अलग अलग प्रोजेक्ट लागू कर दिए गए एक्सटिंग इन द नियर द फील्ड लाइक अ टाइगर प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट टाइगर्स ओके एलिफेंट प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ एलिफंट राहनो प्रोजेक्ट वन हॉन राहनो इन आसाम जनरली फाउंड इन दैट स्वैंपी रिजन्स क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट ओके वल्सर प्रोजेक्ट Snow Leopard Project, okay. Uh, re regarding that animal projects are uh, uh, done by the Indian government to protect the that animals. Okay, let us discuss one by one Tiger Project. So, as per the uh, one estimate, as per the other estimate, means uh, they made the estimate as per the Tiger Project, there were more than forty thousand tigers in India. इंडिया के अंदर एस्टिमेट देखा जाए तो पहले के टाइम पर चालीस हज़ार जितने टाइगर थे फोर्टी थाउजेंड्स टाइगर्स इन इंडिया इन बिगनिंग ऑफ अ ट्वेंटी सेंचुरी बिगनिंग ऑफ अ ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर फोर्टी थाउजेंड जितने टाइगर थे बहुत नंबर्स ऑफ टाइगर जो ज़्यादा थे एंड ड्यू टू द अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग उस टाइम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था इलीगल uh, हंडिंग होती था uh, शौक के खातर टाइगर को मार दिया जाता राजा थे वो सब अपने आप को uh, शिकार पर जाएंगे सेना uh, के साथ अपने शौक के खातर टाइगर का मारते थे गोली से हत्या करते थे उसकी एंड अनदर रीजन इज डिफॉरेस्टेशन क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट एरिया डिफॉरेस्टेशन की वजह से देर वॉज अ बिग डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ टाइगर्स और ये सिचुएशन की वजह से डेट इज आई क्रिएट वन ऑफ अ ह्यूज प्रॉब्लम्स वन ऑफ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन टाइगर्स सो इन सच सरकमस्टांसिस दिस प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर वॉर स्टार्टिंग नाइनटीन सेवनटी वन द प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी नाइनटीन सेवनटी वन के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कर दिया गया लॉन्च किया गया था एंड टू प्रोटेक्ट द टाइगर हैबिटेट प्रोटेक्टेड टाइगर जो एरिया के अंदर रहता है वो एरिया का प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा नो वन कैन एंटर इन द एरिया इफ दे फाउंड सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन विच इम्पोज एरिया मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस भी वहाँ पर मेंटेन करेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स द एनिमल्स जो टाइगर जो एनिमल को मार कर खाता है वो एनिमल भी वहाँ पर रहेंगे और नेशनल लेवल का जो इकोलॉजिकल बैलेंस आता है इट रिलेट्स दैट इज मेंटेन इन द टाइगर रिजर्व एरिया टाइगर रिजर्व एरिया डिक्लेयर करेंगे जो सिर्फ टाइगर के लिए रिजर्व रहेगा वहाँ पर दूसरे एनिमल हो गए ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइगर ही होगा दैट वी ऑल्सो फाउंड अदर एनिमल बट दैट एरिया इज प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉर द एंड टिल नाउ द प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेड इन अबाउट फोर्टी फोर रीजन इंडिया के फोर्टी फोर रीजन के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर ये जो टाइगर है रिजर्व एरिया को डिक्लेयर कर दिया गया है सम ऑफ द पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट रीजन सो के एलिफंट प्रोजेक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट द एलीफंट दिस प्रोजेक्ट वॉर स्टार्ट नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी टू के अंदर ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी द मेन ऑब्जेक्टिव इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड द एलिफेंट प्रोटेक्शंस एलिफेंट को प्रोटेक्ट प्रोवाइड करना ऑल द प्रोजेक्ट बधे सब प्रोजेक्ट का यही काम है कि उसके uh, uh, जो एनिमल्स है उसका प्रोटेक्शन दिया जाए इन नेचुरल हैबिटेट के अंदर एंड टू प्रोटेक्ट हैबिटेंट्स एंड देर माइग्रेटरी कॉरिडर्स माइग्रेटरी मीन्स एक जगह से वो दूसरी जगह पर जो ट्रांसफ़र करते हैं सीजन के हिसाब से तो उसको माइग्रेटरी जो एरिया है वो भी प्रोटेक्ट किया जाए और नेचुरल हैबिटेट के अंदर वो रहे टुडे देर आर अबाउट ट्वेंटी जोन टाइगर के लिए ट्वेंटी के लिए फोर्टी फोर है प्रोटेक्शन अभी तक और एलिफेंट के लिए ट्वेंटी सिक्स प्रोटेक्ट जोन फॉर द एलिफेंट इन द कंट्री। सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट देर हैज़ बीन इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ एलिफेंट जो है फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट है वो नंबर्स ऑफ जो इंक्रीज हुए एलिफेंट बिसाइड इस प्रोजेक्ट ऑल्सो वर्क टू मेंटेन द डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट मीन जो हाथी को पालते थे और उसके साथ जो काम मीन्स जो घर पर रखते थे पालते थे और उसके साथ काम करवाया जाता था एलिफेंट के ऊपर महा होता तो था गांव के अंदर आकर निकलता होगा पैसे सबके पास लेता था दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जो जल्दी थी वो अब नहीं हो सकता है सर्कस के अंदर भी आता था एलिफेंट जो टाइगर है वो सर्कस के अंदर भी लेकर आते थे दैट वाज प्रोहिबिटेड ना वो अंडर दिस प्रोजेक्ट ये अब बैन कर दिया गया है राइनो प्रोजेक्ट ओके okay? राइनो प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो जनरली इट ओनली फाउंड इन द थ्री मजरली थ्री स्टेट आसाम वेस्ट बंगाल एंड बिहार के अंदर ही एयराइनोज दिखा जाते है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द दी दैट वन हॉर्न राइनोज फाउंड इन द आसाम एंड दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनोज ऑफ इंडिया ज़्यादातर एयर राइनोज का जो है जो हॉर्न होता है उसको उसके दवाई के अंदर और ज़्यादा यूज किया जाता है और ब्लैक मार्केट के अंदर सेल करने के लिए ज़्यादातर लोग ये वन हॉर्न राइनो है उसको सिंग सिंग के लिए उसका Uh, उसकी uh, हत्या की जाती है सो इन इंडिया मोस्ट ऑफ द राइनोज आर फाउंड इन आसाम स्टेट पी रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एरिया आसाम रीजन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं ज्यादातर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दीज आर ऑल्सो फाउंड इन नंबर ऑफ सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर भी सुंदरवन एरिया के अंदर है वहाँ पर भी है एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटेजी ऑफ राइनो विजन ट्वेंटी ट्वेंटी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ राइनो टारगेटेड थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड से वो बनाने का टारगेट है एज पर द राइनो ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर थ्री थाउजेंड टाइगर से सॉरी राइनों से वो, वो इंक्रीज करने हैं अनदर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट एलिगेटर प्रोजेक्ट ओके एलिगेटर क्रोकोडाइल एंड दिस स्पीसीज ऑफ एलिगेटर्स डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एलिगेटर जो पानी के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर रहती है फ्रेश वाटर वॉज ऑन द वॉज ऑफ एक्सटिंग नॉट अबाउट द सोल्टी वाटर सोल्ट वाटर लेवल ही नहीं है जो समुद्र के वहाँ तो बहुत सारी है बट द एलीगेटर विच फाउंड इन द फ्रेश वाटर रिवर पॉन्ड लेक के अंदर जो एलिगेटर्स है जो मगर जो आपको दिखाई दे दी क्रोकोडाइल है और उसके नंबर्स ऑफ स्पीशीज बहुत कम हो रहे हैं सो इन द वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन इन द डेट ऑफ नाइनटीन सेवनटी के एंड गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स विद द क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट टू इंक्रीज दैट नंबर्स ओके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टाइमली स्टेप्स टू टाट दिस प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट अंडर द क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट नंबर्स ऑफ स्पीशीज है उसको एलिगेटर्स को इंक्रीज करवाना है ओके वॉल्चर प्रोजेक्ट ओके okay. गीद ज़्यादातर इसको गीद बोलते हैं और ज़्यादातर ये डेथ एनिमल जो है उसको खाने का काम करते थे अगर नेचुरली एक सफाई कामदार का ये काम करते हैं वॉल्चर प्रोजेक्ट और अभी ये बहुत ही कम हो गए सो वॉल्चर इज़ अ क्लीनलेस वर्क्स ऑफ अ नेचर्स ज़्यादातर नेचर्स को क्लीन करने का काम कौन करते हैं ये क्लीनलीनेस वर्कर बोला जाता है एंड इट इट्स मीट ऑफ अ डेड एनिमल ज़्यादातर डेड एनिमल होते हैं उसको मीट खाने का काम ये करते हैं सॉरी हाँ सो देर आर अबाउट नाइन सब स्पीशीज ऑफ वॉल्चर इन इंडिया जो वालचर है उसकी अलग अलग नाइन स्पीशीज आई हुई in है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इन इंडिया नाइन डिफरेंट स्पीसीज इंडिया के अंदर आई है एंड ड्यू टू द अनयूजल डिक्रीज ऑफ इट्स नंबर्स द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन टू अनयूजल डेथ एनिमल्स की जो मीट्स खाते थे, थे उसकी वजह से ये जो वल्सर्स थे उसका जो नंबर्स था वो धीरे धीरे कम होता गया है ठीक है दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन टू के अंदर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई बहुत सारे एनिमल्स जो डेथ हो जाते थे उसकी बॉडी के अंदर सम हाव कोई केमिकल के होने की वजह से या दवाया क्यों होने की वजह से बहुत सारे गिध की डेथ होने की शुरुआत हो गई थी ओके नाउ अनदर स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट लेपर्ड्स विच फाउंड इन स्नो रीजन हिमालयन कवर एरिया जहाँ पास स्नो एरिया है वो एरिया में पाए जाते हैं दैट लेपर्ड्स ओके एंड दिस स्पीसीज विच आर इज फाउंड इन द एल्टीट्यूड अबाउट थ्री थाउजेंड मीटर कहाँ पर पाए जाते हैं थ्री थाउजेंड मीटर अल्टीट्यूड हाइट जो हिमालय है हिमालय है जो स्नो कवर एरिया है थ्री थाउजेंड मीटर वहाँ पर ये पाए जाते हैं एंड दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन टू थाउजेंड कब शुरुआत हुआ था टू थाउजेंड के अंदर द मेन पर्पज टू इंक्रीज द

रेड पांडा जनरली आसाम्स इन दैट ईस्टर्न इंडिया के अंदर पाया जाता है रेड पांडा मणिपुरी तमिल प्रोजेक्ट ओके एंड फॉर द स्पेशल स्पीशीज लाइक अ डियर फाउंड इन मणिपुरी इट इज़ अ मणिपुरी प्रोजेक्ट मणिपुर के अंदर जो डियर पाया जाता है उसके लिए ओके गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट है डॉल्फिन के लिए द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है उसके लिए प्रोजेक्ट दैट प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ सो अदर नाउ सेंचुरीज नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व के बारे में देखेंगे सो सेंचुरीज नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व आर एटेब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स वॉज स्टार्टेड बाई द गवर्मेंट और दूसरा कि विद दैट प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज नेशनल पार्कस एंड बायो रिजर्व का जो था प्रोटेक्शन के वाइल्ड लाइफ के लिए ये भी एक शुरुआत हुई सो ऑल दिस थ्री वर्ड्स आर साउंड लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल

डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक अ काउज वो एट दैट गोड्स कैन बी अलाउ टैट फॉर द ग्रेजिंग के लिए घास के लिए चारा के लिए वहाँ उसको आप भेज सकती हो परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो एरिया की उसी की परमिशन लेकर आप ग्रेजिंग uh, करवा सकते हो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ सम स्पीसीज कोई एक स्पीसीज़ के नहीं होता बहुत सारी स्पीसीज को इंक्लूड कर इसको रिजर्वेशन के लिए ए प्रोटेक्शन एरिया क्लियर किया जाता है द सेंचुरीज कैन बी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट आफ्टर अ सर्टन प्रोसेस सर्टन प्रोसेस बा स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी so periyar uh, like uh, uh, different different uh, wildlife sanctuary in kerala chandraprabha. Prabha, uh, these are the some famous sanctuaries in uh, india okay now the national park so the, compared to the sanctuary this is more protected zone sanctuaries uh, the human activities are allowed with the permission hoti, but in the centuries it is not allowed compared to uh, wildlife sanctuary uh, national park is more protected मोर देन वन इको सिस्टम इज इंक्लूडेड हियर दिस इज अ लार्ज एरिया एंड इको सिस्टम इज मोर इंटरडिपेंडेंटरी सिस्टम नंबर्स ऑफ एनिमल्सो फाउंड मोर एंड सिस्टम्स दैट इज इको सिस्टम इंटरडिपेंडेंटरी सिस्टम्स इज ऑल्सो मोर हियर सो दैट इज कम्प्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग नेशनल पार्क के अंदर एनिमल ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हो परमिशन और विदाउट परमिशन या एनिमल ग्रेजिंग आता है नहीं टोटली totally नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एनिमल ग्रेजिंग इज पॉसिबल विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी ओके इट इज नॉट सेंटर अराउंड वन स्पीसीज एज इट इज इन सेंचुरीज सो सम हाउ इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज सेंटर विद वन स्पीसीज के साथ सेंटर किया जाता है कि एक स्पीसीज के साथ आप बना सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए बट नेशनल पार्क इज नॉट सेंटर विथ वन वन स्पीसीज एनिमल्स की बर्ड्स की नहीं होती है बट इट इंक्लूड द नंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज बहुत सारी स्पीसीज को ध्यान में रखकर ये नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है सो इट इज एस्टैब्लिश थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ नेशनल पार्क को एस्टाब्लिश किया जा सकता है सम फेमस नेशनल पार्क लाइक इन इंडिया लाइक काजीरंगा कॉरबेट वेलावदर मरा नेशनल पार्क गिर दाची गांव दीज आर अदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लुक एट हीय दिज ग्रीन कलर्स नेशनल पार्कस ओके बंदी बांदीपुर नेशनल पार्क गुंडी नेशनल पार्क इन द गुजरात के गिर वेलावदर मराइन नेशनल पार्क हियर कान्हा ने इसके कान्हा नेशनल पार्क है चंद्रप्रभा सिम पी पॉल्स सब इंपोर्टेंस नेशनल पार्क है सब नहीं दिए गए यहाँ पर ओके ओके मानस काजीरंगा आल के डर दिजादर अंतम्बोर कौरबेर राजा जी एंड यहाँ पर दाँची गाँव बाबा नेशनल पार्क है सो रिमेंबर दिस मैप विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज बर्ड सेंचुरीज यहाँ पर दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर ब्लू कलर का सर्कल दिया गया है एंड बर्ड सेंचुरी विद स्टार्स दिया गया है रिमेम्बर दोज नेम्स ये जो मैप के अंदर जो नेम दिए गए आपको याद रखना पड़ेगा वन मार्क्स के अंदर से ये मैप के अंदर आता है फोर मार्क्स का मैप होता है और वन पॉइंट मे आक्स फ्रॉम दिस नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरीज और बायो रिजर्व में नाउ नंबर थर्ड बायो रिजर्व i need form according to the international norms norms and conditions terms and condition international related and purpose is to protect the physical and cultural diversity of regions it is not include only the animals or birds include it also include the diversities of a ह्यूमन बींग्स द कल्चर उस ह्यूमन बींग्स का जो कल्चर है वो भी प्रोटेक्ट करने के लिए ए बायो रिजर्व के अंदर इंक्लूड किया जाता है सिर्फ फॉरेस्ट नहीं आता है उसके साथ में जो लोग जो रहते हैं जो वो उसको भी इंक्लूड किया जाता है फिजिकल्स प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल्स एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज फॉर रीजन्स को भी इंक्लूड किया जाता है सो बिसाइड द वेजिटेशन ऑफ वेजिटेश इंसेक्स एंड लैंड ऑफ द एरिया वेजिटेशन के साथ वेजिटेशन मीन्स द प्लांट्स वो सब उनके साथ इंसेक्ट भी होते हैं और लैंड प्रोटेक्शन लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है उससे कैसे स्टॉप इरोजन बहुत हो रहा है उसे कैसे स्टॉप किया जाए देर आर द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस नियर बाई एरिया जो होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सबको प्रोटेक्ट करने का काम बायो रिजर्व में आता है सो इफ वी कंपेयर द साइज वाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्मॉल आएगी उससे बड़ा नेशनल पार्क आएगा और उससे भी बड़ा बायो रिजर्व आएगा ओके स्पेशल अरेंजमेंट आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व के अंदर रिसर्च फॉर दैट एनिमल रिसर्च उसके लिए रिसर्च ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है स्पेशल अरेजमेंट सो इन सच प्रोक्स एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट आर टोटली रेस्ट्रिक्ट ऑल द एक्सटर्नल मूवमेंट है देर आर टोटली रेस्ट्रिक्टेड हियर ओके सो सरिया एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट जो है बाहर से जो लोग आते हैं टोटली जो है वो रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है यहां पर सो एवरेज एरिया ऑफ सच जोन एवरेज एरिया होता है वो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज एरिया होता है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर ओके फाइव थाउजेंड स्क्र किलोमीटर होता है सो नीलगिरी गल्फ ऑफ लाइक नीलगिरी गल्फ ऑफ मनार ग्रेट निकोबार सुंदरबन पंचमढ़ी एक्सट्रा क्रास आर कंसिडर्ड टू बी द इम्पोर्टेंट बायो रिजर्व ऑफ इंडिया दिस आर द इम्पोर्टेंट बायो इन इंडिया के अंदर ये इंक्लूड किए जाते हैं दिस आर देट, ओके इन गुजरात के अंदर कौन सा है रन ऑफ कच्च ऑफ गुजरात एज अव जोन इन टू थाउजेंड एट के अंदर गुजरात के अंदर से एक कच्च को uh, जो है वो बायो रिजर्व के अंदर डिक्लेयर किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज स्पेशल एनवाइ ऑफ कंडीशन द पीपल लाइफ स्टाइल्स एंड द डिजर्ट एनिमल्स नाउ सम इंफॉर्मेशन लुके दायो प्रोटेक्शन जोन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी नंबर्स आर मैंशन य इंडिया हाउ मेनी बायो प्रोटेक्शन जोन एटीन बायो प्रोटेक्शन जोन नेशनल पार्क कितने वन हंड्रेड थ्री है सेंचुरी फाइव हंड्रेड थर्टी वन है ओके सेम गुजरात के अंदर बायो प्रोटेक्शन जोन कितने बायो प्रोटेक्शन जो बायो रिजर्व जोन वन है कच्छवाला नेशनल पार्क चार है ओके okay? एंड जो है सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है ट्वेंटी थ्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई है ओके so सो गुजरात के अंदर ने वास्ता नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क वेलावदर नेशनल पार्क एंड मारायण सेंचुरी जो सो मराण नेशनल पार्क जो आया हुआ है जामनगर के अंदर दिस आर फोर नेशनल पार्क इन ने गुजरात नाओ सम इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट थिंग्स टू नो गंगा रिवर डोल्फिन से दैट इन्स प्लेटिनस्टा कैंटेस्टिका से उसका साइंटिफिक नेम है सो गंगा रिवर डोल्फिन फ्रेश वाटर में जो डोल्फिन पाई जाती है इन रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा के अंदर पाई जाती है इन द फ्रेश वाटर स्पीसी से ओके डोल्फिन जनरली इट लिव्स इन द रिवर्स हैविंग डीप एंड काम वाटर्स फ्लो का डीप एंड काम जेंटल फ्लो होता है बहुत ज़्यादा स्पीडी नहीं होता है वहाँ पर ये पाई जाती है ओके इट फाउंडस इन द गंगा रिवर विच फ्लो थ्रू वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड गंगा रिवर्स दैट फ्लो डेंसली पॉपुलड रीजन लाइक उत्तर प्रदेश और द एरिया के अंदर डेंसली पॉपुलेटेड है वहाँ पर जब वाटर फ्लो स्लो रहता है वो एरिया के अंदर जनरल प्लेन एरिया के अंदर जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ अ डर्टी वाटर इन द रिवर लाइक द इंडस्ट्रीज दोल्यूट इन टू द वाटर दैट सेडिमेंट्स द डिफोरेस्टेशन फिशरीज एंड नेविगेशन की वजह से इन द रिवर इंडस्ट्रियल वेस्ट इन टू दैट द डेंजर है अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गंगा रिवर डॉल्फिन द फ्रेश रिवर डॉल्फिन अपार्ट फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अपार्ट फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के अंदर तो यही है चंबल रिवर चंबल की घाटी के अंदर जो चंबल रिवर है वहाँ पर भी ये फ्रेश वाटर के पाई जाती है सो इट कम्स टू द सर्फेस वेरी ऑफन ऑफनली मीन टू ब्रीथ ब्रीथ के लिए वो ऊपर आती है uh, पानी के एंड मेकिंग शू लाइक साउंड ओके सरफेस ऑफ द वाटर सो इट इज ऑल्सो नोन इज अदर नेम लाइकू और सुइस डिफरेंट निकॉज ऑफ़ द साउंड ऑल्सो फाउंड इन द रिवर्स ऑफ आवर नेबर लाइक नेपाल्स एंड बांग्लादेश के रिवर्स से उसमें भी फ्रेश वाटर जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है वहाँ पर आपको दिखाई देती है and at present the existence of a Ganga river dolphin is in a danger so Ganga river purification Pla uh, project is going on uh, and protection for the Ganga dolphins uh, dolphin project is also uh, launched by that government now leopard okay so leopard belongs to the cat family that belongs to cat family and it's whole smaller uh, 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 like a uh, statues uh, compared to the lion uh, and the. टाइगर स्मॉल साइज हाइट के हिसाब से ये जो देखा जाए दे, तो लायंस एंड टाइगर के हिसाब से ये थोड़ा छोटा होता है ओके एंड इट इज फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया एंड इट इज आल्सो फाउंड इन डार्क ब्लैक कलर कभी ये डार्क ब्लैक कलर में भी पूरा दिखाई देता है ब्लैक लेपर्स uh, और मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर जो फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पर ये दिखाई देता है इट इज़ फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात जो गुजरात का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर ये बहुत सारे नंबर्स में ये लेपर्ड्स पाया जाता है एंड इट ऑफन ही ऑफन कम्स टू द ह्यूमन सेटलमेंट एंड पीपल आर नोविंगली कॉल चीता ऑल्सो सो इट ऑफनली एंटर इन टू द ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर आ जाते हैं और पीपल uh, ऑफनली जो लोग होते हैं उसे चीता मान लेते हैं बस चीता और लेपड़ के अंदर uh, uh, फर्क होता है ओके okay? चीता uh, जो ये, ये लेपड़ है ओके okay? इसके यहाँ पर uh, जो फेस uh, है वहाँ पर ब्लैक मार्क्स होते हैं लेपड़ को ओके okay? सॉरी uh, चीता को ब्लैक मार्क्स होते लेपड़ को नहीं होते बाकी डॉट के हिसाब से स्ट्रक्चर देखा जाए बॉडी का तो दोनों का सेम ही रहता है फेस के ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो लुके लिए ये चीता है लुके चीता के फेस के ऊपर ऐसे ब्लैक लाइन रहती है लुके लिए ओके वायल आप इसके अंदर देख सकते हो कि लेपर्ड के फेस के ऊपर ये नहीं रहेगा ओके okay? जो ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है मास्क टाइप का जो दिखाई दे रहा है वो ची लेपड़ में नहीं ले रहेगा बाकी चीता के अंदर वो देता uh, है बाकी बॉडी स्ट्रेक्चर जो देखा जाए उसका कलर देखा जाए और उसका जो डॉट है ओडे का वो, वो देखा जाए वो सब सेम ही दिखाई देंगे लेकिन उसके फेस के हिसाब से आप पहचान सकते हो कि ये चीता है और ये लेपड़ है सो इट इज टोटली एक्सटिंक फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इंडियन फॉरेस्ट के अंदर आपको चीता कहीं नहीं दिखाई देगा जनरली कहीं पर आपको सो टोटली फाउंड इन अफ्रीका इन नेचुरल हैबिटेट टुडे इट फाउंड इन अफ्रीकन नेचुरल हैबिटेट के अंदर दिखाई देते हैं इन इंडिया वीड वी यू कैन ऑल्सो फाउंड इट इज फाउंड इन द दैपिटेटिव स्टेट ओनली जो प्राणी संग्रहालय होते हैं वहाँ पर आपको ये दिखाई देते हैं ओके चीता ना वन हॉन इंडियन राइनो हो सो इट फाउंड इन मार्शी रीजन ब्रह्मपुत्र सुंदर सुंदरवन के अंदर दिखाई देते हैं

एनिमल्स लिव्स इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर ज़्यादा ग्रास लैंड एरिया होता है वहाँ पर होता है अलकाइन फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया के अंदर आपको ये दिखाई देते हैं इट लिव्स इन द ग्रेटर एंड स्मॉल रन ऑफ कच्छ के अंदर भी है गुजरात बनी एंड द नारायण सरोवर जो सेंचुरीज है बनी ग्रास लैंड एरिया है वहाँ पर ए नारायण सरोवर एरिया है वहाँ पर ये, ये दिखाई देता है इट कैन बी आइडेंटिफाई इट्स लाइटली टॉलर देन द फॉक्स फॉक्स से थोड़ा टोल रहता है एंड फ्लैशी उसका राउंड माउथ होता है एंड इज अयर सॉरी कार्स नहीं यहाँ पर ई आएगा ओके हाई ईयर्स ई ए आर्स कार्स okay? e नहीं ई हो गया सी ई आएगा वहां पर ओके इट्स हंस स्मॉलर बर्ड्स एंड एनिमल्स और स्मॉलर बर्ड्स और एनिमल्स को हंट करता है मारता है उसे सो एक्स इट इट्स एक्जिस्टेंस कैन बी नॉन बाय इट्स फूड फ्रिंट फूड फ्रिंट के हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ पा उसका एग्जिस्टेंट कहाँ पर पाया जाता है वो है कि नहीं नाव डुगांग इट इज एक्वाटिक एनिमल वो एक्वाटिक है पानी के अंदर ये पाया जाता है एक्वाटिक एनिमल है एट इज सीन इन वेरी स्मॉल नंबर्स अलॉन्ग द वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया का है वहाँ पर ये ज्यादातर दिखाई देते बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं

ए डुगांग का ज्यादातर हंट किया जाता है कि उसके मीट और उसके फ्लैश के लिए फैट के लिए उसका हंट किया जाता है खिलिंग ज़्यादा सो अर्लियर द अर्यर दुगानो फाउंड फ्रिक्वेंटली अलॉन्ग द गुजरात कोस्ट के में भी दिखाई देते थे, स्पेशली अलॉन्ग सौराष्ट्र कोस्ट बट टूडे इट्स रेयरली सीन अलॉन्ग द गुजरात कोस्ट पर बहुत ही कम दिखाई देते है ए डुगांग okay? okay here uh, if we have completed the chapter number nine we will get now the exercise hope you like the videos and if you have any query you can comment it you can send me email also okay here we are going to end the chapters and chapter, uh, uske alag chapter ka video will uh, post the videos uh, <coughs> like the videos and share with your friends. If you have any queries, uh, you can send me a mail. If you are not subscribed the channel, click on subscribe button to subscribe the to channels. Okay, thank you, Hind.